नाज़रीन सलामुलैकुम। एक मुलाकात डॉक्टर के साथ के इस एपिसोड में मैं डॉक्टर फरहाना चोगले आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, वादे के मुताबिक आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी अक्सर डॉक्टर अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, हमें एडवाइस करते हैं कि अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए भी फिजियोथेरेपी दी जाती है। बट ये फिजियोथेरेपी क्या होती है और क्या ये सिर्फ जोड़ों के दर्द और बैक पेन के लिए लिमिटेड है, इन सब बातों के बारे में हम आज जानेंगे डॉक्टर समाना सैयद से। नाज़रीन, हमारे साथ है डॉक्टर समाना सैयद जो मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी कर चुकी हैं। इनके पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और ये मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में ICU हेड भी रह चुकी हैं। कार्डियोपल्मोनरी यानी चेस्ट फिजियोथेरेपी में मास्टर्स करने के साथ ही इन्होंने एक्यूपंक्चर और प्रेगनेंसी में फिजियोथेरेपी करने में महारत हासिल की है। अभी फिलहाल ये बॉम्बे में अपोलो हॉस्पिटल, सनशाइन हॉस्पिटल और क्लिनिक इंटरनेशनल में प्रैक्टिस करती हैं। प्लीज़ वेलकम ऑन द शो डॉक्टर समाना सैयद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समाना, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, फिजियोथेरेपी हमारे लिए, हम अक्सर सोचते हैं मतलब डॉक्टर कोई एक्सरसाइज दे रहे हैं या मसाज हो रहा है, एग्जैक्टली फिजियोथेरेपी क्या होती है? सो फिजियोथेरेपी एक ब्रांच है हेल्थ केयर की, मेडिसिन की, जिसमें यूजुअली हम ट्रीट करते हैं ऑलमोस्ट सारे डिजीजेज, इंजरीज, डिफॉर्मिटीज़ जो पेशेंट के अंदर होते हैं विदाउट यूजिंग ड्रग्स। ड्रग्स के बगैर या मेडिकेशन के बगैर हम ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स में मतलब हम मैनुअली और मशीन्स, करंट्स, वेव्स के यूज़ के साथ साथ जितना प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रीटमेंट, वी ट्राई टू डू दैट। सो फिजियोथेरेपी में यूजुअली जो लोगों का एक नोशन, एक मिथ बन गया है कि फिजियोथेरेपी जब भी कोई भी डॉक्टर बोलता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करने जाइए, आप जाके मसाज कराइए, वो एक बहुत ही छोटा सा एक मिथ है लोगों का कि हाँ ठीक है अभी हमें एक्सरसाइज के डॉक्टर के पास जाना है, जो एक्चुअल में गलत है। मैं ये नहीं बोलूँगी एक्सरसाइज इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजियोथेरेपी का, क्योंकि फिजियोथेरेपी मीन्स फिजिकल थेरेपिस्ट, बट एक्सरसाइजेस खाली एक चीज़ को डिनोट नहीं करते हैं। हमारे फील्ड में हम ऑलमोस्ट 80% ऑफ डिजीजेस को कवर करते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि पूरा ट्रीटमेंट के लिए, बट पूरी एज अ लाइक पूरी जो मेडिकल टीम होती है उसका एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है फिजियोथेरेपी। लाइक जैसे बहुत नॉर्मली लोगों को पता है स्पाइनल पेन होता है, बैक पेन होता है, जॉइंट्स का जो भी पेन है उसका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी में यूजुअली व्हाट वी डू इज हम एक्सरसाइज तो कराते ही हैं लोगों को, बट वो सेकेंड पार्ट है ट्रीटमेंट का। फर्स्ट पार्ट, जो मेन पार्ट है ट्रीटमेंट का, वो पेन रिलीफ है। पेन रिलीफ में हम वेरियस करंट्स और वेव्स को यूज़ करके पेशेंट के टारगेटेड एरिया को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे अब रशियन करंट्स, IFT करंट्स, आप करंट्स को अगर थेरेप्यूटिक यूज़ में लाएं तो आप उससे अपनी स्वेलिंग, रेडनेस, आपका पेन सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। इनफैक्ट पेन रिलीफ अगर आप फिजियोथेरेपी के थ्रू लेंगे तो आपकी जो पेन किलर्स की डिपेंडेंसी है, जो आपके ड्रग्स की डिपेंडेंसी है, वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिस सारे पेशेंट फेस करते हैं। आर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जो रिवर्सिबल नहीं है, आप उसको इंटरनली ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बट द ओनली थिंग जो आप कर सकते हैं उसके लिए, आप उसके पेन को कम कर सकते हैं। पेन को कम करने के लिए कंटिन्यूस पेन किलर्स लेना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि वो आपके बाकी इम्यून सिस्टम को, आपके बाकी किडनी, लिवर, सबको अफेक्ट करता है। तो इसके लिए अगर आप उस एरिया को, लाइक सपोज आपको नी आर्थराइटिस है, अगर आप उसी एरिया को खाली टारगेट करके वहाँ के एरिया का पेन रिलीफ करने की कोशिश करें, दैट व्हाट वी डू विद फिजियोथेरेपी लाइक मशीन्स के साथ, तो आपका पेन अल्टीमेटली विदाउट गिविंग एनी साइड इफेक्ट्स, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के कम हो सकता है। एक बार जब आपका पेन कम होता है फिर हम एक्सरसाइज पार्ट पे जाते हैं, बट एक्सरसाइज पार्ट डजंट मीन कि हम आपको नॉर्मल एक्सरसाइज जो आप जिम में, योगा में कर सकते हैं वो सब कराएंगे। हम सिर्फ टारगेटेड एरिया की एक्सरसाइज बताते हैं जिससे आप उस एरिया को स्ट्रेंथन कर सके, ताकि जो आपने ठीक किया है, जितना पेन आपने कम किया है, आपके जो आजू बाजू के जो मसल्स हैं, मांसपेशी है, वो इतना मजबूत हो जाए कि वो आपके उस चीज़ को मेंटेन कर सके, ताकि आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, आप अपनी जॉब, अपने ऑक्यूपेशन नॉर्मल परस्यू कर सके। दिस इज जस्ट वन पार्ट, ये सिर्फ एक पार्ट है फिजियोथेरेपी का। इसके अलावा भी फिजियोथेरेपी बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइडेड है, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी, नॉर्मल स्प्रेन, एंकल स्प्रेन, टेनिस एल्बो, स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, स्पोर्ट्समैन को आप देखते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कंपलसरी रहता है, क्योंकि इमीजिएट पेन रिलीफ आपको फिजियोथेरेपी से ही मिलेगा एंड ना परमानेंट पेन रिलीफ। हम लोग इमीजिएट तो एक बार पेन किलर आपने ले लिया ठीक हो जाएगा, बट परमानेंट पेन रिलीफ रूट कॉज से निकालने के लिए, स्पेशली इन स्पोर्ट्स इंजरी, फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली न्यूरो केसेस में, जैसे न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं, पैरालिसिस, पैरिसिस, फेशियल पैल्सी, या बच्चों की जो बीमारियां होती है बॉर्न विद एबनॉर्मलिटीज, सेरेब्रल पैल्सी, उसमें भी अगर आप देखें तो लॉन्गर डिपेंडेंसी पेशेंट का सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही होता है। जैसे हम बोलते हैं बेड से पेशेंट को खड़ा कराने का पूरा काम एक फिजियोथेरेपिस्ट का ही होता है।
देन देर इज़ अनदर थिंग जो बहुत लोगों को बहुत कम पता है, दैट इज़ चेस्ट फिजियोथेरेपी, जो लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ही एडवांस हो गई है. चेस्ट फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, जैसे मेजर डिसीजेज होती हैं हार्ट्स और लंग की, उसमें हम उन टाइप के पेशेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. चेस्ट रिहैबिलिटेशन एक बहुत ही फेमस टर्म है, जिसमें जो पेशेंट्स जिनका हार्ट अटैक जिनको आया हुआ हो, या तो जैसे कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी, जो बाईपास की सर्जरीज होती हैं, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ये सारे पेशेंट्स के साथ हम डील करते हैं. एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल ICU से स्टार्ट होता है और जब तक वो घर पे अपने ऑक्यूपेशन को ज्वाइन नहीं कर लेता है तब तक के वो रोल कंटिन्यूड रहता है, एंड काफ़ी मेजर रोल रहता है एज अ टीम. आई एम नॉट सेइंग कि अकेले, बट एज अ टीम विद अदर फिजिशियंस, कार्डियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एक मेन पार्ट है टीम का. तो नाज़रीन, आपने सुना, फिजियोथेरेपी यानी सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं होती है. आज जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपकी मेडिकल टीम का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, और ये लोग यही लोग देखते हैं कि ना सिर्फ ICU में बल्कि घर जाने तक, आपके काम पर जाने तक आपका ख्याल रखा जाए. जैसे डॉक्टर समाना ने बताया, एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम सिर्फ एक्सरसाइज देना नहीं होता है, मगर बिना दवाई के पेन रिलीफ भी फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है. और ये लोग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि जैसे डॉक्टर समाना ने बताया, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह भी यूज़ करते हैं ताकि आपको बिना दवाई के असर हो. डॉक्टर समाना, आपने कहा जैसे बहुत सारी डिजीजेज आपने बताया, एक तो आपने चेस्ट के अंदर बताया सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है, स्पोर्ट्स मेडिसिन में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है, और आपने जैसे बताया न्यूरोलॉजिकल केसेस में, आई गेस स्ट्रोक के बाद पेशेंट को खड़ा करना जो होता है वो है, फिर ब्रोंकाइटिस में है, बच्चों के बच्चों की जो डिफॉर्मिटीज होती हैं, यानी फिर आपने ये भी बताया कि बच्चों की जो जन्म के टाइम पे जो पैदाइशी खामियां होती है, जैसे कभी किसी के पैरों में तकलीफ हो, या मेंटल इंस्टेबिलिटी की वजह से, या फिर मेंटल रिटार्डेशन की वजह से अगर बच्चों में प्रॉब्लम हो, तो ये सब भी आप ही देखती हैं. कोई लिमिटेशन है फिजियोथेरेपी का, मतलब कोई जगह पे जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट रुक जाता है? देखिए, लिमिटेशंस तो हर एक मेडिकल प्रोफेशनल के होते हैं, हर एक अपने एक फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनको ऑब्वियसली आप 100% कोई भी चीज़ विदाउट इन अ टीम तो नहीं कर, बीइंग इन अ टीम नहीं कर सकते हैं. सो हमारा रोल कब स्टार्ट होता है, हमारा रोल फर्स्ट, अगर कोई भी पेशेंट है वो फर्स्ट फिजिशियन के पास जाएगा, एक प्रॉपर रेफरेंस लेगा, डायग्नोस करेंगे हम उसके डिजीज़ को, फिर उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट एज अ टीम वर्क करते हैं. लिमिटेशंस में जैसे कि अगर आप मेजर बीमारियां लें, जैसे कैंसर हो, या बहुत ही अक्यूट इंजरी हो जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो, पेशेंट का हील होना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे अक्यूट इंजरी, ट्रॉमा, फ्रैक्चर्स में आफ्टर 4 वीक्स तक के, जब आपको बिल्कुल भी आप अपना हाथ, जैसे हाथ का फ्रैक्चर आप इमोबिलाइज करते हैं, तब तक के हमारा रोल नहीं होता है. उसके बाद जब आप एक बार फ्रैक्चर खुलता है उसके बाद से हमारा रोल स्टार्ट होता है, क्योंकि फ्रैक्चर के बाद यूजुअली कॉन्ट्रैक्चर्स आ जाते हैं, जॉइंट कभी कभी एबनॉर्मली भी शेप ले लेता है, अकड़ जाता है. तो जैसे अगर रिस्ट फ्रैक्चर होता है, रिस्ट फ्रैक्चर के साथ साथ कभी कभी पेशेंट्स को फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है शोल्डर का, क्योंकि कंटिन्यूस इमोबिलाइजेशन की वजह से, एक चीज़ एक पोजीशन में हाथ को रखने की वजह से, तो उसके बाद हमारा रोल वहाँ से स्टार्ट होता है. तो लिमिटेशंस यूजुअली है सब, हर एक उसमें थोड़े थोड़े हर एक प्रोफेशनल्स के होते हैं, बट यूजुअली रेफरेंस के साथ आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, लाइक ऑर्थोपेडिशियन, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, इसके रेफरेंस के थ्रू आप फिजियोथेरेपी करना है नहीं करना है, कितना टाइम करना है, दे कैन हेल्प यू विद दैट थिंग. ओके, तो डॉक्टर समाना, आपके नज़रिए में अगर किसी को बैक पेन हो, या अगर किसी के पास डायग्नोज केस है कि नी जॉइंट में आर्थराइटिस है, तो क्या वो डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ सकते हैं, या पहले डॉक्टर का कंसल्टेशन ज़रूरी है? देखिए, ये एक स्टेप वाइज होता है जो भी होता है, लाइक यूजुअली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको नॉर्मल भी पेन हो तो आप पहले फिजिशियन के पास जाइए, वो आपको असेस करेंगे, वो आपको एक्सरे के लिए बोलेंगे या MRI के लिए, एंड उसके बाद फिर अगर इन केस कोई ऐसी अबनॉर्मलिटी नहीं है जिसमें आपको कंटिन्यूस बेड रेस्ट पहले चाहिए एंड फिर एक्सरसाइज करना चाहिए, देन दे विल एडवाइस यू टू फिजियोथेरेपिस्ट. जनरल बैक पेन के लिए आप यूजुअली डायरेक्ट भी फिजियोथेरेपी के पास जा सकते हैं, स्टिल हम भी आपको ऑर्थोपेडिशियन के पास ही भेजेंगे, सो दैट इज़ हाउ इट गोज. तो आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है प्रॉपरली, बट जैसे नॉर्मल आर्थराइटिस है या बैक पेन है, उसका यूजुअली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज फिजियोथेरेपी, बट ये एक बेसिक स्टेप है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा. जी, तो नाज़रीन, आपने सुना, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो, जैसे बैक पेन हो या आर्थराइटिस हो, तो पहले आप किसी फिजिशियन के पास जाएं, ज़रूर बेशक वो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही भेजेंगे, बिकॉज बिना दवाई के वो ही आपका इलाज करेंगे, मगर पहले अगर आप फिजिशियन के पास या ऑर्थोपेडिक या कोई भी सर्जन के पास जाएँ, तो वो आपको सही तरह डायग्नोस करेंगे ताकि फिजियोथेरेपिस्ट सही तरीके से आपकी मदद कर सके. डॉक्टर समाना, फिजियोथेरेपी में आप, एक तो आपने बताया आप एक्सरसाइजेस बताती हैं, पहले पेन रिलीफ करती हैं,
आपने ये भी बताया आप करंट्स यूज़ करते हैं, तो ये थोड़ा स्कैरी साउंड करता है जो करंट्स है ये, आप थोड़ा इसके बारे में और बता सकते हैं हमें? जी, करंट्स एक्चुअल में बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है, बहुत ही बोलने में ऐसा लगता है कि हाँ शॉक लगेगा, ये लगेगा, बट ट्रूली स्पीकिंग एकदम बहुत ही माइल्ड वाइब्रेशन जैसा ही फील होता है खाली हम जब करंट्स देते हैं. नाउ करंट्स में यूजुअली क्या होता है, करंट्स के अंदर अगर हम एक सेटिंग्स के साथ उसको यूज़ करें तो उसके अंदर इतना पावर होता है कि आप कोई लोकलाइज्ड एरिया की स्वेलिंग कम कर सकते हैं उससे, आप वो एरिया को हील कर सकते हैं वेव्स के साथ, आप वो एरिया को रिकवरी लाइक अर्ली रिकवरी की तरफ लेके जा सकते हैं. तो इसके लिए करंट्स यूजुअली हम लोकलाइज्ड एरिया पे यूज़ करते हैं. उससे क्या होता है कि आपकी जो रिकवरी होती है वो इंस्टेंट हो जाती है. लाइक सपोज अगर आपको शोल्डर पेन है या बैक पेन है, आपके अगर कोई भी मस्कुलर पेन का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उसका रीज़न ये होता है या तो आपने वो चीज़ को ज़्यादा यूज़ किया हो या तो एकदम कम यूज़ किया हो. जैसे ज़्यादा देर बैठने के वजह से आपको बैक पेन होएगा, या तो ज़्यादा चलने के वजह से, खड़े रहने के वजह से, ज़्यादा मूवमेंट करने के वजह से. सो इधर ओवर यूज़ और अंडर यूज़. नाउ क्या होता है करंट से यूजुअली क्या, जब आपका बिफोर दैट आई वॉन्ट टेल यू कि जैसे अगर आपका बैक पेन है तो आपका वो एरिया का सर्कुलेशन कम हो रहा है, वहाँ पे खून की कमी हो रही है. क्यों? क्योंकि वो मसल थक गया है आपका. तो यूजुअली हम जो करंट्स यूज़ करते हैं वो इस वे से करते हैं कि वो एरिया का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो. द फर्स्ट थिंग, जब आपके वो एरिया का सर्कुलेशन इम्प्रूव होएगा तो अपने आप वहाँ के जो पेन एलिमेंट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. जब आप करंट्स हम देते हैं उस करंट की इंटेंसिटी से आपकी वहाँ की स्वेलिंग रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है. सो ओवरऑल करंट्स का मेन फंक्शन होता है वो आपकी स्वेलिंग, आपका स्पैज्म जैसे हम बोलते हैं टाइटनेस, और आपका पेन, ओवरऑल सब कुछ कम करने की कोशिश करता है. जब आपका सर्कुलेशन कोई एरिया का बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स वो एरिया की रिकवरी और हीलिंग इंस्टेंट हो जाती है. सो एज अ होल करंट्स आपको ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है. सो करंट इज़ अ वेरी वेरी सेफ ऑप्शन, कोई उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है. थोड़े बहुत लिमिटेशंस हैं माइनर, जैसे कि लाइक इम्प्लांट्स है तो उसके ऊपर हम करंट्स नहीं दे सकते. पेसमेकर वगैरह जो यस, जिनके पेसमेकर है कार्डियक उनको नहीं दे सकते. वेव्स में थोड़े बहुत लिमिटेशंस है कि वी कांट गिव फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, जो मेंस्ट्रुएशन में होते हैं उनको नहीं दे सकते हैं. दैट्स इट. ओके, तो करंट्स मतलब जो हम सोचते हैं वैसे टाइप की करंट नहीं है, एक बहुत स्पेशलाइज्ड मशीन्स है जो आप यूज़ करते हैं और बहुत ही सेफ और हार्मलेस तरीके से आप ना सिर्फ दर्द कम करते हैं बल्कि ये भी आप देखते हैं कि जो दवाई ले रहे हैं उसके ऊपर की डिपेंडेंसी कम हो जाए, स्पेशली फॉर पेन किलर्स. तो एनल्जीजिया के लिए करंट बहुत अच्छा हो जाता है. सो करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनल्जेसिक ट्रीटमेंट. अच्छा, मतलब दर्द कम करने वाला इलाज है ये. ओके, समाना आपने बताया बैक पेन का इसके अंदर, जैसे आपने बताया कि या तो ज़्यादा यूज़ होने से होता है या तो कम यूज़ होने से होता है, तो बैक पेन के लिए आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप नॉर्मली क्या पेशेंट को एडवाइस करती हैं? क्योंकि अक्सर हमने देखा है माशरे में बैक पेन की जो तकलीफ है बहुत कॉमन हो गई है. सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप हमारे व्यूअर को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अगर मैं आपको बोलूँ, बैक पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारी डेली एक्टिविटी बहुत चेंज हो गई है. पहले हमारे सब कुछ बैलेंस्ड होता था, हम थोड़ा चलते थे, थोड़ा बैठते थे, थोड़ा सोते थे, बट अभी ऐसा हो गया कि इतना प्रोफेशनल लोड हो गया है सब पे, स्टडी लोड, बहुत सारे प्रेशर्स हो गए जिसके वजह से लोग या तो 12-12 घंटे की बैठ के जॉब कर रहे हैं या तो वो कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कंप्यूटर, स्पेशली फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब के वजह से तो इतने ज़्यादा सेल यूसेज हो गया है कि हमारा पॉस्चर ही हमारा दुश्मन बन गया है. जिस तरह से हम खड़े रहते हैं, जिस तरह से बैठते हैं, जितने घंटे हम बैठते हैं वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है. तो यूजुअली क्या होता है, हम अपनी अगर हम अपनी एक बॉडी को एक पोजिशन में मोर देन 1 आवर रखें तो वो थोड़े टाइम के बाद हमें प्रॉब्लम देने लगती है. सिमिलरली हमारे घंटे में ही जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा एवरी 30 मिनट से 40 मिनट्स अपना पोजीशन चेंज करें. अगर आप 12 घंटे के कंप्यूटर जॉब में भी हैं जिसमें आपको कंटिन्यूसली कंप्यूटर यूज़ करना है, मेक इट अ पॉइंट कि आप ये ज़रूर एक पॉइंट बना लीजिए कि आप एटलीस्ट 1/2 आवर उठ के थोड़ा वॉक अराउंड करिए अपने डेस्क के आसपास, या तो एटलीस्ट खड़े होकर आप थोड़ा मार्चिंग करिए. इससे क्या है कि आपके स्पाइन का लोड रिलीज होगा. बट यूजुअली क्या होता है, हम इतना इन्वॉल्व हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता 2 घंटा कब हो गया, 3 घंटा हो गया. सिमिलरली जस्ट नॉट विद कंप्यूटर यूजर्स, अगर आप हाउसवाइफ्स को भी ले लें, पहले का किचन सिस्टम बहुत अलग था. पहले लोग ज़मीन पे बैठ के खाना बनाते थे जो एक्चुअल में बेनिफिशियल था. आजकल कैसा है, लोग खड़े रहते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे किचन का काम, घर का काम. तो इसमें क्या हो गया ना, हमारा मसल यूसेज बहुत, या तो बिल्कुल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं या तो ओवर यूज़ कर रहे हैं. लाइक सपोज कंप्यूटर में बैठ रहे हैं तो हमारे शोल्डर्स, हमारा बैक, हम एक स्टैटिक पोजिशन पर रख रहे हैं, सेम पोजिशन पर.
हम अपने फिंगर्स यूज कर रहे हैं, तो जो हमारा रिस्ट फिंगर वो पेन करने लगता है बिकॉज ऑफ ओवर यूसेज, और जो हमारा स्टैटिक जो है वो हमारा इसलिए पेन करता है क्योंकि आप उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं. सो वो एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है एक नॉर्मल इंसान के लिए. उसका पॉस्चर, जिस तरह वो खड़े रह रहा है, जिस तरह वो बैठ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एज अ डॉक्टर मैं अपने व्यूवर्स को ये बताऊंगी कि अगर आपको कोई भी बैक इशू नहीं है और आप नॉर्मल, आपको थोड़े बहुत बीच में बैक पेन होता रहता है, तो आप अपने पोस्चर पे ध्यान देना स्टार्ट करिए. लाइक जिस तरह से आप खड़े रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, ट्राई करिए कि आप हमेशा सीधे बैठें. और सीधा बैठना बोलो तो लोगों को टेंशन होने लगती है क्योंकि सीधे बैठते ही उनको लगता है और दर्द हो रही है. तो इन शॉर्ट बेसिक, अगर आपको पोस्चर, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बैक पेन प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप ट्राई करिए कि अपने पोस्चर पे ध्यान दें. अपने पोस्चर पे ध्यान देने के लिए आपको सिर्फ सिंपल से थोड़े बहुत टिप्स फॉलो करने हैं. जैसे कि आप जब भी खड़े रह रहे हैं या बैठ रहे हैं, स्लाउच मत होइए. अपने शोल्डर को पीछे पुश करके डाउन रखिए, टमी को थोड़ा टक अंदर, पेट को थोड़ा दबा के रखिए. इससे आपकी सांस नहीं रुकती है, जो बहुत सारे लोगों का डाउट्स होता है कि अगर हम पेट दबा के चलेंगे तो हमारी सांस रुकने लगेगी. उससे क्या होता है, आपके जो स्पाइन पे जो लोड पड़ता है, जो प्रेशर होता है, वो मिनिमाइज हो जाता है. तो जो हमारा जो नॉर्मल स्पाइन का एस कर्व होता है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो आपको स्पाइन भी डिस्टर्ब करेगी. सो इसलिए जैसे नॉर्मली लोगों की आदत होती है झुक के बैठना, बहुत देर तक लंबे खड़े रहना, उसके वजह से आप अपने स्पाइन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसके वजह से आपका सारा मस्कुलेचर डिस्टर्ब होता है. सिमिलरली जैसे कि बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं घुटनों के दर्द के लिए, बट बहुत बार क्या होता है, उनका घुटनों का दर्द का रीजन उनके स्पाइन में होता है. एंड वो घुटना ट्रीट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, बट यूजुअली कुछ फर्क नहीं पड़ता है. 3 महीना ठीक होता है, फिर वापस आ जाता है. सो यूजुअली रूट कॉज बहुत बार हमारा सिर्फ स्पाइन होती है फॉर मेनी जॉइंट्स, नॉट ओनली कि नी के लिए, शोल्डर पेन के लिए, एल्बो पेन के लिए भी, शोल्डर जो हमारे एल्बो जॉइंट के लिए, कोई भी मल्टीपल जॉइंट्स के लिए हमारे स्पाइन का स्ट्रक्चर बहुत बार रूट कॉज होता है. ओके. सो आप अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिए. बैक पेन ऑन एंड ऑफ आता जाता रहता है, दैट इज ओके. बट अगर आप कंटिन्यूस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जनरल एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, तो यूजुअली, एंड आप सही तरीके से खड़े रह रहे हैं, चल रहे हैं, तो यू कैन प्रिवेंट इट. तो नाज़रीन आपने सुना, जैसे डॉक्टर समाना ने बताया, बैक पेन इसीलिए कॉमन हो गया है क्योंकि हम या तो मसल्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं यानी ओवर यूज़, या तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो इसके लिए अगर आपको बैक पेन अवॉइड करना हो, या फिर अगर आपको बैक पेन हो भी, तो अपना पोस्चर का सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना चाहिए. जैसे डॉक्टर ने बताया, आप स्लाउच करना यानी बेंड करके बैठना अवॉइड कीजिए. सीधी कमर रखकर, पेट अंदर रखकर, अगर आप शोल्डर्स को पीछे पुश करके बैठेंगे तो वो आपके बैक के लिए अच्छा रहेगा. साथ ही साथ अगर आप लंबे दौरान के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो आधे या पौने घंटे में उठकर थोड़ा स्ट्रेचिंग या फिर थोड़े एक्सरसाइजेस करके आप अपने बैक पेन को अवॉइड कर सकते हैं. डॉक्टर, हमने ये भी सुना है कि फिजियोथेरेपी जो है वो प्रेगनेंसी में भी काम आती है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमें? सो प्रेगनेंसी में यूजुअली एक ट्रेडिशनल नोशन है कि आप, जैसे पहले के लोग बोलते थे कि आप ज़्यादा काम मत करिए, आप ज़्यादा मूवमेंट मत करिए, एक्टिविटी मत करिए, अगर आप जॉब पे हैं तो आप जॉब कंटिन्यू मत करिए. ये एक्चुअल में गलत है, ये एक मिथ था, जो एक गलत फहमी जो हम बोल सकते हैं लोगों में. यूजुअली क्या है, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. एक्सरसाइजेज हम थर्ड मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब प्रेगनेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं. तो बेस्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज इज इट कि प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आप एक रेगुलर प्रॉपरली टेलर्ड प्रोग्राम, मतलब एक जो प्रॉपर एक्सरसाइजेस जिससे आपके प्रेगनेंसी में कोई हार्म ना हो, वैसे टेलर्ड प्रोग्राम के जरिए से आप अगर वो एक्सरसाइज करें तो वो आपके बहुत सारे मेजर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकता है. जैसे कि लाइक आपका बैक पेन है, क्योंकि हमारे प्रेगनेंसी के मसल्स, ऑफकोर्स मसल्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जिसके वजह से बैक पे लोड बढ़ता है, उसके वजह से बैक पेन होता है. तो अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज टारगेटेड बैक की करते हैं तो आपके बैक पेन में कमी होती है. आपके जो स्वोलन फीट होते हैं, जो पैर सूज जाते हैं प्रेगनेंसी में, उसके भी प्रिवेंशन के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जिसे हम लिम्फेडीमा एक्सरसाइजेस कहते हैं इन प्रेगनेंसी. वो आपके स्वेलिंग को कम रखने की कोशिश करता है, और अगर बिना दवाई के, क्योंकि यूजुअली प्रेगनेंसी में आप मेडिसिन अवॉइड करते हैं. सो बेस्ट थिंग इज कि अगर आप अपने पेन को रिलीव करना चाहते हैं, तो बेस्ट थिंग इज टू डू एक्सरसाइजेस, एक प्रॉपर टेलर्ड प्रोग्राम, एक इंडिविजुअल बेस्ड, एक हर एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए एक अलग प्रोग्राम टेलर्ड मतलब होता है. ऐसे नहीं कि आप किसी की भी एक्सरसाइज देखकर वो फॉलो करके नहीं, ये यूजुअली बहुत सारे लोग ये करते हैं, बट एक्चुअल में हर एक इंसान के अंदर एक अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस, अपनी अलग कंडीशन, एक अपनी अलग हिस्ट्री है. तो अपना वेट गेन कितना हो रहा है, कितना न्यूट्रिशनल एबनॉर्मलिटी हो रही है, उसके हिसाब से हम उनके एक्सरसाइजेस डिज़ाइन करते हैं. सिमिलरली जैसे ब्लड प्रेशर के चेंजेस बहुत ही कॉमन है प्रेगनेंसी में,
विद प्रॉपर एक्सरसाइज आप अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं. जैसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, सो प्रेगनेंसी के बाद जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है वो भी अगर आप कंटिन्यूस प्रॉपर एक्सरसाइज करें तो उससे वो मेंटेन रहता है. और उससे चाइल्ड बर्थ में यानी जब बच्चा पैदा होता है बहुत 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 फर्क पड़ता है. उसके अलावा ब्रीदिंग कंट्रोल, जैसे लेबर पेन के टाइम पे भी ब्रीदिंग कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. तो हम उनको ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे आपका लंग कम्प्लीटली एक्सपैंडेड रहे. सो ये आपको डिलीवरी के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होता है, ब्रीदिंग में दिक्कत नहीं होती. जी बहुत कंट्रोल करता है. अदर देन दैट आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, वो उसको आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज नहीं होते हैं. इन शॉर्ट एक सेफ डिलीवरी के लिए और एक सेफ प्रेगनेंसी एंड पेन फ्री प्रेगनेंसी के लिए फिजियोथेरेपी और एंटीनेटल प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है, जो आप थर्ड मंथ से स्टार्ट करके नाइन्थ मंथ तक के कंटिन्यू कर सकते हैं. एंड इमिजिएटली आफ्टर योर प्रेगनेंसी ऑल्सो आप वापस इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स कंटिन्यू रख सकते हैं. प्रेगनेंसी के बाद के भी कॉम्प्लिकेशन आप प्रिवेंट कर सकते हैं. जैसे लोग बोलते हैं कि वो बात मतलब एक फीमेल के अंदर वो एनर्जी लेवल्स नहीं आ पाते हैं या कॉम्प्लिकेशन के वजह से यूजुअली क्या होता है कि यू कान बी द सेम जो आप प्रेगनेंसी के पहले थे. प्रेगनेंसी के बाद भी अगर आप प्रॉपरली प्रोग्राम फॉलो करते हैं एक्सरसाइजेस का तो आप वापस पहले जैसे नॉर्मल भी हो सकते हैं. ओके तो नाज़रीन आपने सुना प्रेगनेंसी के दौरान थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स आपको फिजियोथेरेपिस्ट आपकी बॉडी के हिसाब से आपकी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस आपके वेट गेन के हिसाब से आपको एक टेलर्ड प्रोग्राम दे सकते हैं जिससे कि ना सिर्फ आपके चाइल्ड बर्थ यानी बच्चा पैदा होने के वक्त की तकलीफ़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं बल्कि बाद के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं. मगर नाज़रीन ध्यान रखें कि आप किसी और की एक्सरसाइजेस देख के फॉलो ना करें बल्कि बेहतर ये होगा आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर ही उनसे अपनी बॉडी के हिसाब से अपने लिए एक टेलर्ड प्रोग्राम लें. डॉक्टर इज इट पॉसिबल कि अगर हम फिजियोथेरेपी करें तो उसकी वजह से हम किसी सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं? जी हाँ, ये बहुत ही आई एम ग्लैड कि आपने क्वेश्चन पूछा. ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. आप यस आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से बहुत सारी सर्जरीज प्रिवेंट कर सकते हैं जैसे कि स्पाइनल, यूजुअली जॉइंट की जो सर्जरीज होती हैं स्पाइन सर्जरीज होती हैं. फर्स्ट अगर आप एक एग्जांपल ले लें आर्थराइटिस का, आर्थराइटिस में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया फिजियोथेरेपी होता है. यूजुअली क्या होता है कि कोई भी डॉक्टर आपको सर्जरी एडवाइस करने से पहले वो आपसे ये कहते हैं कि आप पहले फिजियोथेरेपी लीजिए, अगर आप उससे बेटर नहीं हो रहे हैं देन वी विल ऑप्ट फॉर सर्जरी. बहुत बार मेजर केसेस में ऑलमोस्ट आई कैन से 40-50% केसेस में ये होता है कि फिजियोथेरेपी से ही आपका पेन रिलीव हो जाता है एंड आप नॉर्मल एक्टिविटी अपनी कैरी ऑन कर सकते हैं. सिमिलरली स्पाइनल सर्जरीज में, स्पाइनल सर्जरीज में फिजियोथेरेपी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही मेजर रहा है. बहुत सारी स्पाइनल सर्जरीज फिजियोथेरेपी ने अवॉइड किया है क्योंकि हम उसमें आपके पेन रिलीफ के साथ आपके मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो आपके स्पाइन की जो बहुत सारी रीढ़ की हड्डियों की जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं या रीढ़ की हड्डियों की जो परेशानियों से जो बैक में प्रॉब्लम्स होती हैं उसको उसकी भी जो सर्जरीज हैं आप सिर्फ फिजियोथेरेपी के साथ अवॉइड कर सकते हैं एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ. क्योंकि हम आपके पेन रिलीफ के साथ हम आपके मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं जिसके वजह से आप एक नॉर्मल एक्टिविटी आपके स्पाइन में इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी लीड कर सकें. अदर देन दैट फिजियोथेरेपी में इतनी एडवांस ट्रीटमेंट आ गया है जैसे कि काइनेसियोलॉजी टेपिंग जिसमें हम एक टेपिंग टेप यूज़ करते हैं. अगर आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ के पैर में हाथ में पिंक येलो कलर के टेप्स रहते हैं. आपने एथलीट्स के भी देखे होंगे. दीज आर लाइक पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी जो 24 आवर्स ट्रीटमेंट देता है. अच्छा. तो आप वो ट्रीटमेंट लेके न्यूरोडायनेमिक्स जिसमें हम नसों को रीढ़ की हड्डी से मूव करने की कोशिश करते हैं दैट इज़ अनदर ट्रीटमेंट. तो ऐसे बहुत सारे और ट्रीटमेंट हैं. मलिगन थेरेपी जिसमें हम हड्डियों को वहाँ से मूव करने की कोशिश करते हैं. हम ये ट्रीटमेंट के हेल्प से बहुत सारी सर्जरीज प्रिवेंट कर सकते हैं बट अगर आप एकदम एंड स्टेज पर नहीं हो तो. सो यूजुअली एवरी ऑर्थोपेडिक जो भी ऑर्थोपेडिक फिजिशियन है वो आपको बहुत बार खुद ही फिजियो एडवाइस करते हैं कि आप ये लीजिए तो आपकी सर्जरी प्रिवेंट हो सकती है. तो नाज़रीन आपने सुना फिजियोथेरेपी वो साइंस है जिसकी मदद से आप ऑर्थोपेडिक सर्जरीज भी प्रिवेंट कर सकती हैं. जी हाँ, यानी अगर आपको बैक प्रॉब्लम हो या आपको आर्थराइटिस जैसी तकलीफ हो तो फिजियोथेरेपी लेने से आपकी तकलीफ ना सिर्फ कम होगी मगर आगे चल के जो सर्जरी है आप उसे भी प्रिवेंट कर सकती हैं. नाज़रीन आज का हमारा एपिसोड है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर समाना सैयद के साथ. अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप देखते रहिए चैनल विन.